Assalamu alaikum. We're talking about presentations. Hum thodi si apne baaki modules ki taraf se ab hum business communications ki taraf aate hain ya business writing ki taraf aate hain. Usme ek bahut ahem jo component hai wo hai presentation ka. A presentation hoti kya hai? Jab aap baat kar rahe hote ho, koi present kar rahe hote ho verbally, body language ke zariye ya written form mein, aap basically apna ek viewpoint ya jo bhi aap information dena cha rahe hain, koi argument dena cha rahe hain, कोई डेटा शेयर करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हो सकता है लाइव हो, वो आपके सामने हो, या हो सकता है कि लोग उसको बाद में वैसे ही पढ़ें. द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशंस और मेकिंग प्रेजेंटेशंस इज़ पावर पॉइंट और एक और प्रेजी है. ये दोनों ऐसे टूल्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे इस मॉड्यूल में. तो प्रेजेंटेशन क्या है? अ प्रेजेंटेशन इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन बी अडेप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशंस सच इज़ टॉकिंग टू अ ग्रुप, एड्रेसिंग अ मीटिंग, ब्रीफिंग टीम्स. टू बी इफेक्टिव स्टेप बाई स्टेप प्रेपरेशन एंड द मेथड ऑफ मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड. अब मैं बोले जा रही हूँ. अब मैं खाली बोल रही हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि सुनना समझना मुश्किल होता है जब तक कि कुछ लिखा हुआ ना आ रहा हो. तो जब हम लिखा हुआ देते हैं या कोई ऐसी चीज़ देते हैं तो वो हम किस पे लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, वो चीज़ जो है हम प्रेजेंटेशन में इस कोर्स में डिस्कस करेंगे. कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम कुछ एड्स इस्तेमाल करते हैं. राइटिंग होती है, इमेज होता है, डेटा होता है, उसको हमें कैसे प्रेजेंट करना है, उस डेटा को या वो जो रिटन फॉर्म है उसको हमें कैसे बनाना है, डेवलप करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो अ प्रेजेंटेशन इज़ नॉट जस्ट द पावर पॉइंट बट इट इज़ एवरीथिंग. मगर पावर पॉइंट जो है वो आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है या जो बॉडी की कम्युनिकेशन है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, यानी कि उसका साथ दे रहा होता है, उसमें इजाफा कर रहा होता है. तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स? जो एक प्रेजेंटेशन है ना वो प्रॉम्प्टर के तौर पे एक्ट करती है स्पीकर के लिए. अब स्पीकर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने बात करनी है, एक एक घंटा बात करते रहना है. अगर उसके पास एक प्रेजेंटेशन होती है तो उसके पास जो की पॉइंट्स होते हैं वो लिखे हुए आते हैं, तो वो अपने साथ साथ देखता रहता है और उसको याद आता रहता है. तो वो प्रॉम्प्ट होता है कि हाँ जी डिस्कशन अब यहाँ से यहाँ जानी है, तो वो एक फ्लो डिस्कशन का जो है वो चलता है. वो इधर उधर की बातें या जैसे जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, कभी हम एक बात पे करते हैं तो कहीं और चले जाते हैं. प्रेजेंटेशन में हम ऐसे नहीं कर सकते. सो दोज आर द थिंग्स दैट अ प्रेजेंटेशन एड अलाउज़ यू और अ पावर पॉइंट या प्रेजी प्रेजेंटेशन अलाउज़ यू. इट हाईलाइट्स द की पॉइंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन. जो मेन क्रक्स होता है पूरी प्रेजेंटेशन का, उसका लुबे लुबाब जो होता है वो आपको हाईलाइट करके दे देता है कि भाई जो मैंने बोला है वो शायद तुम्हें याद रहे ना रहे, मगर हम आपको लिख के बता रहे हैं कि ये मेन चीज़ें हैं. तो वो बाद में जाके उनको पढ़ भी सकता है और उसकी फिर मेमोरी ट्रिगर हो जाएगी कि जी हाँ जी उन्होंने इसके बारे में बात की थी. इट अपील्स टू द विजुअल सेंस. जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम एक सेंस, वो जो वर्बल सेंस होता है उसका, ओरल सेंसेस या जो इस तरह की चीज़ें होती, मगर जो देखने वाला अमल है, सुनने वाला, तो ऑब्वियसली जो हम बोल रहे हैं हियरिंग सेंसेस को हम अपील करते हैं, मगर जो देखने का जो विजुअल होता है वो एक और आपका सेंस जो है उसको अपील करता है. तो आपके दो सेंसेस जो हैं वो साथ साथ काम करने लगते हैं. ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है उससे. इट इज़ शॉर्ट, कंसाइज एंड टू द पॉइंट. बाकी जो है ना वो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, पूरी पूरा मफहूम होता है, एक फ्लो होता है. यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है. आप बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट शॉर्ट सेंटेंसेस में भी लिख सकते हैं इसको. और आप आगे सेशंस में हमारे साथ रहिए और फिर हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंटेशंस लिखते कैसे हैं.